नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लान बिल्डिंग विद यश पांचुरिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजीज ऑफ राइस के बारे में। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम बात करेंगे डिजीज कॉज बाय फंगल डिजीज की, फंगल डिजीज की बात हम करेंगे, और पार्ट टू में हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज में। तो दोस्तों, हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8320202630। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डिजीज ऑफ राइस के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन पांच डिजीज की बात करने वाले हैं। एक है राइस ब्लास्ट, एक है राइस ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज, एक है सीथ ब्लाइट, एक है फॉल्स मट, और लास्ट में है फूट रॉट और बकानी डिजीज। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि राइस ब्लास्ट से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला डिजीज है राइस का राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट का कोजल ऑर्गेनिज्म है पायरिक्यूलेरिया ओराइजी। उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है कि उसकी फंगस क्या है कि पायरिक्यूलेरिया ओराइजी, और उसको हम बोल सकते हैं कि पायरिक्यूलेरिया ग्रीसिया। तो ये दोनों दोस्तों आपको याद रखने हैं कि पायरिक्यूलेरिया ओराइजी और पायरिक्यूलेरिया ग्रीसिया। उसका एक सेक्सुअल स्टेज है, उसका नाम है कि मैग्नापोर्थी ग्रीसिया। अब यहाँ पे दोस्तों सेक्सुअल स्टेज, अब यहाँ पे दोस्तों आपको सेक्सुअल स्टेज भी कहा गया होगा, टिलियोमोर्फ स्टेज भी कहा गया होगा, और परफेक्ट स्टेज भी कहा गया होगा। ये तीनों स्टेज आपको एक ही है, ये जो सेक्सुअल स्टेज है, टिलियोमोर्फ स्टेज है और परफेक्ट स्टेज, ये तीनों का मीनिंग एक ही होता है। और राइस ब्लास्ट का सेक्सुअल स्टेज, टिलियोमोर्फ स्टेज और परफेक्ट स्टेज कौन सा है कि मैग्नापोर्थिया ग्रीसिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं राइस ब्लास्ट में। तो राइस ब्लास्ट में तीन टाइप के सिम्टम है, एक है लीफ ब्लास्ट, एक है नोडल ब्लास्ट और एक है नेक ब्लास्ट। जब भी फंगस लीफ पे अटैक करेगी, लीफ पे स्पॉट होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लीफ ब्लास्ट बोलेंगे। दिस सिम्टम्स अपियर ऑन द लीव्स, नोड, रेचिस एंड ग्लोब्स। कि राइस ब्लास्ट कहां पे अटैक होता है कि लीव्स में अटैक होता है, नोड में भी अटैक होता है, और रेचिस में अटैक होता है, और ग्लोब में भी अटैक होता है, कि पेनिकल में भी वो अटैक करता है। On the leaves, the lesion spread on the spot with the grey center and dark brown margin. हम उसको क्या बोलेंगे कि leaf blast बोलेंगे। अब lesion आगे बढ़ता है और nodal में attack करता है, कि जो rice की internode होती है, internode का region होता है, उसमें attack करता है और उसको black lesion में convert कर देता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि nodal blast बोलेंगे। अब नोडल पे अटैक हुआ, नोड पे अटैक हुआ है, इंटरनोड पे अटैक हुआ है, तो क्या करेगा कि वहां पे फंगस अटैक करेगी और प्लांट को क्या कर देंगे कि ब्रेक कर देंगी वहां से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है नोडल ब्लास्ट का अटैक। यहाँ पे जो इंटरनोड है, इंटरनोड पे फंगस ने अटैक किया, यहां से प्लांट पूरा क्या हो जाएगा कि ब्रेक हो जाएगा। और फाइनली वो अटैक करती है नेक ब्लास्ट, यानी कि वो पेनिकल स्टेज पे अटैक करती है। जो हमारा राइस का इन्फ्लोरेंस है, हम उसको क्या बोलेंगे कि पेनिकल बोलेंगे। और पेनिकल का जो स्टॉक होता है, हम उसको क्या बोलते हैं कि पेडेंकल बोलते हैं। फंगस कहां पे अटैक करेंगी, ये पेडेंकल पे अटैक करेगी और उसको क्या कर देगी कि ब्राउनिश और ब्लैक कर देंगी। इसीलिए जो फंगस होती है वो फ्लावरिंग स्टेज पे भी अटैक कर सकती है, हम उसको क्या बोलेंगे कि इस स्टेज को रटन नेक बोलेंगे। क्योंकि जो पेनिकल है, यानी कि उसका नेक है, वहां पे अटैक करती है और उसको क्या कन्वर्ट कर देती है कि ब्लैक स्पॉट में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि रटून नेक, नेक रॉट और पेनिकल ब्लास्ट, और उसको नेक ब्लास्ट भी बोला जाता है। जो ये नेक ब्लास्ट होता है, बाद में क्या होता है कि उसमें ग्रेन फिलिंग नहीं होता। जब नेक ब्लास्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ग्रेन फिलिंग नहीं होता और पार्शियली ग्रेन फिलिंग होता है। पूरे का पूरा यील्ड हमें जो मिलता है कि यील्ड में क्या हो जाता है कि लॉस हो जाता है। तो जब ग्रेन फिलिंग नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ब्लैंकिंग बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स थे राइस ब्लास्ट के बारे में। यहां पे मैंने फोटो दी है राइस ब्लास्ट में, ये फोटो है लीफ ब्लास्ट की, ये फोटो है नोड ब्लास्ट की, और ये फोटो है कि नेक ब्लास्ट की। तो ये कुछ सिम्टम्स है राइस ब्लास्ट के। तो दोस्तों, राइस ब्लास्ट का परफेक्ट स्टेज यानी कि टिलियोमोर्फ स्टेज और सेक्सुअल स्टेज क्या था कि मैग्नापोर्थिया ग्रीसिया। वो क्या प्रोड्यूस करता है कि पेरिथीसिया प्रोड्यूस करता है, एक सेक्सुअल बॉडी पेरिथीसिया प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे दोस्तों तीन टाइप के सेक्सुअल बॉडी होते हैं, एक होता है एपोथेशियम, एक होता है पेरिथेशियम और एक होता है क्लिस्टोथेशियम। क्लिस्टोथेशियम में क्या होता है कि पूरा का पूरा क्लोज्ड सर्क्यूलर बॉडी होता है कि जो अंदर से स्पोर प्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअल बॉडी होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि क्लिस्टोथेसिया बोलेंगे।
पेरिथेसिया क्या होता है कि फ्लास्क शेप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फ्लास्क शेप है, जब जो हम लेबोरेटरी में फ्लास्क यूज करते हैं ग्लास का, उसके जैसा फ्लास्क शेप है, हम उसको क्या बोलेंगे कि पेरिथेसिया बोलेंगे। और ये दोस्तों डिस्क शेप है, डिस्क शेप यानी कि एपोथीसियम की। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो सनफ्लावर में डिस्क फ्लावर होते हैं ऐसे ही वो अरेंज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि एपोथीसियम। तो एग्जाम में पूछा जाए क्लोज्ड सर्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, क्लिस्टोथेसिया। फ्लास्क शेप कौन सा होता है, पेरिथेसिया। और जो डिस्क शेप होता है वो कौन सा होता है कि एपोथेसिया। तो दोस्तों ये कुछ सेक्सुअल बॉडी थे जो फंगस के हैं। डिजीज साइकिल की बात करें तो डिजीज साइकिल में मेनली इट इज अ कर्स बाय द एयरबोर्न कनिडिया। एयरबोर्न कनिडिया एड से, विंड से वो ट्रांसफर होता है। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्युलम है वो क्या है कि इन्फेक्टेड स्ट्रॉ है, इन्फेक्टेड सीड्स है, वो उसका क्या है कि मेजर सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोक्युलम। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोक्युलम क्या है कि इरिगेशन वाटर। कि हम राइस में दोस्तों जानते हैं कि पानी बहुत चाहिए राइस को, तो उसको क्या है कि इरिगेशन जब हमको देते उसको देते हैं तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक वो ट्रांसफर होता है फंगस और कनिडिया के थ्रू द इरिगेशन वाटर। तो ये कुछ उसकी डिजीज साइकिल है राइस ब्लास्ट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट की फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो ड्रिजल है कि बारिश हो रही हो, क्लाउडी वेदर हो, मोर नंबर ऑफ रेनी डेज, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो उसके वो क्या है कि फेवरेबल कंडीशन है। लो नाइट टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनी डेज उसका क्या है कि फेवरेबल कंडीशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल होस्ट, एक्सेस ऑफ डोज ऑफ नाइट्रोजन, कि जब ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन के खाद डालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि डिजीज की सीवियरिटी देखने को मिलती है। अब हम दोस्तों वेदर का फोरकास्टिंग करते हैं कि कब बारिश आने वाली है, तो हम डिजीज का भी फोरकास्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये कुछ मॉडल है फोरकास्टिंग के कि मिनिमम नाइट टेम्परेचर हो, कि रात का टेम्परेचर मिनिमम हो, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, 2 से 3 वीक तक ये कंडीशन रहे। कौन कौन से स्टेज में, कि एक सीडलिंग स्टेज में हो, पोस्ट ट्रांसप्लांटिंग स्टेज में हो, टिलरिंग स्टेज में हो, और नेक इमर्जेंस स्टेज में हमें जो ये कंडीशन मिनिमम नाइट टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिले, तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि राइस ब्लास्ट की सीवियरिटी आने वाली है। तो ये कुछ एक मॉडल है जापान का, कि जापान ने फर्स्ट डेवलप किया था कि ब्लास्ट मॉडल। कि ब्लास्ट मॉडल है वो क्या फोरकास्ट करता है कि जो राइस में ब्लास्ट आने वाला है उसका फोरकास्टिंग करता है। बाद में इंडिया ने भी एक मॉडल डेवलप किया है, उसका नाम है एपिब्ला। जो ये एपिब्ला है वो क्या है कि इंडिया का मॉडल है ब्लास्ट को फोरकास्टिंग करने के लिए। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशन है ब्लास्ट की। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं ब्लास्ट का। तो पहला मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है ग्रोअर रेजिस्टेंट वेराइटी। रेजिस्टेंट वेराइटी हम डेवलप करते हैं और हम ग्रोन करते हैं तो उसमें फ्री ऑफ द राइस ब्लास्ट कौन कौन सी वेराइटी है, CO47 है और IR20 है। तो ये कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी है। एंड अवॉइड द कल्टिवेशन ऑफ हाईली ससेप्टेबल वेराइटी, ससेप्टेबल वेराइटी को अवॉइड करना है। बाद में है कि रिमूवल एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द वीड होस्ट, कि ये आप ये मैनेजमेंट सभी डिजीज में आप कॉमन लिख सकते हैं। बाद में दूसरा मैनेजमेंट है कि स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड, सीड ट्रीटमेंट विद द थायराम, कप्तान, कार्बेंडाजिम, ट्राइसाइक्लाजोल और द स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये बैक्टीरियल कल्चर है उसका भी ट्रीटमेंट देना। बाद में स्प्रेइंग करना है कार्बेंडाजिम, ट्राइसाइक्लाजोल, एडिफेनफोस, ट्राइसाइक्लाजोल, कार्बेंडाजिम और आइप्रोबेनफोस। तो ये कुछ मैनेजमेंट था कि राइस ब्लास्ट के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है इंडियन हिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजिकल हिस्ट्री की और देखिए हम इंडिया की, तो एक इंपॉर्टेंट डिजीज कहा जा सकता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी कोजल ऑर्गेनिज्म है हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी। उसके दो सिनोनिम्स है, एक है ड्रेक्सलेरिया ओराइजी और एक है बाइपोलारिस ओराइजी। तो ये दोस्तों तीनों नाम आपको याद रखने हैं। उसका सेक्सुअल स्टेज है कोचिलोबोलस मियाबिनस, तो ये भी आपको याद रखना है। The Cochilobolus miabinus, formerly known as a Helminthosporium oryzae, and this fungus causes the brown leaf spot of rice. And this is a disease caused of the Bengal famine in 1943. जब 1943 में इंडिया में बंगाल फेमन आया था वेस्ट बंगाल में, तो वो कौन से कारण आया था कि ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी पूरा का पूरा फील्ड था वो क्या हो गया था कि ससेप्टेबल हो गया था और यील्ड में लॉस आया था। तो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी बंगाल फेमन कॉज करता था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या कहते हैं इस ब्राउन लीफ स्पॉट के। दी फंगल अटैक क्रॉप फ्रॉम द सीडलिंग टू मिल्किंग स्टेज, जब सीडलिंग से पूरा का पूरा एडल्ट हो जाता है प्लांट तो उसमें क्या करता है कि अफेक्ट करता है। और सिम्टम्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसके कोलियोटाइप,
कोलियोप्टाइल यानी कि सीड में भी देखने को मिलते हैं, लीफ ब्लेड में देखने को मिलते हैं यानी कि लीफ मार्जिन में देखने को मिलते हैं, सीथ में और ग्लूम में यानी कि जब सीड पेनिकल में होता है यानी कि ग्लूम होती है तो उसमें भी देखने को मिलते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट जो सिम्टम्स होते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं कि लीफ ब्लेड में और ग्लूम में देखने को मिलते हैं। एंड दिस डिजीज सीवियर इन दी पोटास डेफिशियंट सोइल, कि पोटास डेफिशियंट सोइल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस डिजीज की सीवियरिटी मिलेगी, क्योंकि पोटास क्या करता है कि पोटास हमें देता है कि डिजीज रेजिस्टेंट देता है, लेकिन पोटास डेफिशियंसी होने से क्या होगा कि डिजीज ससेप्टिबल आ जाएगी प्लांट में। तो ये दोस्तों कुछ सिम्टम्स है, आप देखते हैं कि ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पेडिक है, ये दोस्तों आप देखते हैं कि ग्लूम में सिम्टम्स है, सीड में सिम्टम है। तो ये दोस्तों आप देखते हैं कि ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं कि ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पेडिक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि उसके पैथोजन के बारे में, तो पैथोजन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो बाइपोलारिस ओराइजी, तो दोस्तों ये बाइपोलारिस ओराइजी है वो हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी ही है, उसका दूसरा नाम है। इट इज अ प्रोड्यूस ऑफ ब्राउन सेप्टेड माइसेलियम। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि सेप्टेड माइसेलियम मीन्स दी, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसको डिवाइड किया गया, ये माइसेलियम को, ये कनिडिया को यहाँ से एक दूसरे सेल में डिवाइड किया गया, इसको हम क्या बोलते हैं कि सेप्टेड माइसेलियम बोलते हैं। जब ये सेप्टेड नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं कि एसेप्टेड, और उसको और भी नाम से बोला जाता है कि कोइनोसाइटिक माइसेलियम भी बोला जाता है, एसेप्टेड और कोइनोसाइटिक। तो ये दोस्तों दो माइसेलियम के टाइप है कि सेप्टेड माइसेलियम और एसेप्टेड यानी कि कोइनोसाइटिक माइसेलियम। और एक है कि कनिडियोपोर आर अराइजिंग सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप। अब यहाँ पे दोस्तों कनिडियोपोर एंड कनिडियोस्पोर यानी कि कनिडियोपोर PHOR यहाँ पे है। अब कनिडियोपोर का मीनिंग क्या होता है कि जो कनिडिया होता है, कनिडियम होता है, उसका जो बेस है हम उसको क्या बोलेंगे कि कनिडियोपोर बोलेंगे, और कनिडिया कनिडियोपोर के ऊपर जो कनिडिया होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कनिडियोस्पोर SPOR कनिडियोस्पोर बोलेंगे। तो ये कुछ पैथोजन के बारे में था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सेप्टेड होता है और कनिडियोपोर और कनिडिया के बारे में, और उसका परफेक्ट स्टेज क्या है कि कोचिलोबोलस बिनियाबिनस। एंड दिस फंगस बाइपोलारिस ओराइजी प्रोड्यूस अ फाइटोटॉक्सिन ओफियोबिलिन ए और ओफियोबिलिन बी, यानी कि कोचिलोबोलिन ए और कोचिलोबिलिन बी, ये कौन प्रोड्यूस करता है ओफियोबिलिन ए और ओफियोबिलिन बी, तो ये प्रोड्यूस करता है बाइपोलारिस ओराइजी। तो ये कुछ बात थी कि पैथोजन के बारे में। उसकी डिजीज साइकिल क्या है, तो वही डिजीज साइकिल है जो हमने ब्लास्ट में देखी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है कि सीड एंड स्टबल होता है, इट इज अ मोर कॉमन सोर्स, और दूसरा सोर्स क्या है कि एयरबोन कनिडिया वो सेकेंडरी सोर्स इनोक्युलम है। तो ये कुछ दोस्तों बात थी डिजीज साइकिल के बारे में। और ये है मैनेजमेंट भी क्या है कि सैनिटाइजेशन, हम यहाँ पे कोरोना वायरस है तो हम क्या करते हैं कि हाथ को सैनिटाइज करते हैं, यहाँ पे हमें डिजीज फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो हम क्या करना पड़ेगा कि फील्ड को सैनिटाइज करना पड़ेगा, एंड रिमूवल एंड कलेक्टर ऑफ द कोलेटरल होस्ट एंड इन्फेक्टेड डेब्रिस फ्रॉम द फील्ड, कि इन्फेक्टेड डेब्रिस है, इन्फेक्टेड स्टबल है, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। बाद में है कि ग्रो ऑफ टॉलरेंस वेराइटी। अब दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस है टॉलरेंस वेराइटी और रेजिस्टेंट वेराइटी। रेजिस्टेंट वेराइटी क्या होती है कि उसमें डिजीज आने की चांस है ही नहीं, वो पूरे की पूरी रेजिस्टेंट है, और टॉलरेंस वेराइटी का मतलब क्या होता है कि वो एक टॉलरेंट है, अमुक हद तक वो क्या होगी टॉलरेंट होगी, बाद में जब फंगस का इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो वो क्या कर पाएगी, वो टॉलरेंट नहीं कर पाएगी और उसमें क्या होगा कि इन्फेक्शन होगा। और एक मैनेजमेंट है यूज ऑफ डिजीज फ्री सीड, और ट्रीट द सीड विद द थायराम कैप्टन एंड स्प्रे द नर्सरी विद मेनकोजेब एडिफेन पॉस एंड मेनकोजेब। तो ये दोस्तों कुछ मैनेजमेंट था ब्राउन लीफ स्पॉट के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सीथ ब्लाइट के बारे में। तो सीथ ब्लाइट का कोजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया सोलानी। तो ये राइजोक्टोनिया सोलानी किसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, सीथ ब्लाइट का कोजल ऑर्गेनिज्म है, और उसका सेक्सुअल स्टेज और परफेक्ट स्टेज क्या है कि थेनेटोपोरस क्यूकुमेनेंसिस को उसका सेक्सुअल स्टेज है, सीथ ब्लाइट का सेक्सुअल स्टेज है। अब ये सीथ ब्लाइट क्या करता है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो फंगस है इट इज अटैक फ्रॉम द टिल्डरिंग स्टेज टू हेडिंग स्टेज, वो टिल्डरिंग स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज तक वो सीथ ब्लाइट अटैक करेगी। और दोस्तों हम जानते हैं कि राइस का जो प्लांट है वो पानी से भरा होता है, और पानी से भरा होने से क्या होगा जी, फंगस अटैक करेगा नियर दी वॉटर लेवल से ऊपर वो फंगस अटैक करेगी। द इनिशियल सिम्टम्स आर नोटिस ऑन दी लीफ सीड नियर दी वॉटर लेवल के ऊपर वो अटैक करेगी। बाद में क्या होगा कि जो ये फंगस के अटैक जो सिम्टम्स है, जो स्पॉट है, वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे में कोलैप्स हो जाएंगे, और बाद में क्या करेंगे कि वो रैपिडली इंक्रीज करेंगे,
एंड इट कवर द एंटायर टिलर फ्रॉम वॉटर लेवल टू फ्लैग लीव्स। अब दोस्तों यहाँ पे वो अटैक करेंगे फ्लैग लीव्स में, और आप जानते हैं कि फ्लैग लीव्स ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, अप टू 52% फ्लैग लीव्स क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस करता है। अब जब फ्लैग लीव्स नहीं होगा, फ्लैग लीव्स पे अटैक होगा तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं होगा और हमें क्या देखने को मिलेगा कि यील्ड लॉस देखने को मिलेंगे, एंड दिस इन्फेक्शन एक्सटेंड टू इनर सीथ एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ एंटायर प्लांट। तो ये कुछ सिम्टम्स के सीथ ब्लाइट के बारे में। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नियर दी वॉटर लेवल आपको क्या देखने को मिलेगा कि सीथ ब्लाइट के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये भी सिम्टम्स है सीथ ब्लाइट के। तो दोस्तों डिजीज साइकिल की बात करें तो डिजीज साइकिल में सेम ही है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि जो इनोक्यूलम है, जो स्टबल है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम है। एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम क्या है कि इरिगेशन, कि स्क्लेरोसिया स्प्रेड थ्रू इरिगेशन वाटर। तो ये कुछ बात थी डिजीज साइकिल के बारे में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है इस सीथ ब्लाइट का। तो ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी, अप्लाई दी ऑर्गेनिक मैन्योर, अवॉइड दी फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर फ्रॉम इन्फेक्टेड फील्ड टू हेल्दी फील्ड, डीप प्लाउइंग इन समर, बर्निंग दी स्टबल एंड स्प्रे विद दी कार्बन डाइजिम एंड स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो दोस्तों ये कुछ मैनेजमेंट था कि सीथ ब्लाइट के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राइस के अनदर डिजीज के बारे में। उसका नाम है फॉल्स मट और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है उस्टिलोजुनाइडिया वायरेंस और उसका सिनोनिम्स है कि क्लेविसेप्स ओराइजी। तो दोस्तों ये एक स्मट डिजीज है। स्मट क्या कॉज करता है? कोई भी क्रॉप हो उसमें स्मट, या कोई भी क्रॉप यानी कि वीट स्मट हो, वीट का लूज स्मट हो, सोरगम का हेड स्मट हो और ग्रेन स्मट हो, बाजरा का ग्रेन स्मट हो, तो स्मट कहाँ पे अटैक करेगा? स्मट अटैक करेगा ओरिस पे अटैक करेगा। ओरिस को क्या कर देगा कि वो ब्लैक कर देगा। इसके लिए उसमें क्या होगा कि ग्रेन फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ओरिस है, ग्रेन है, वो क्या कन्वर्ट हो जाता है कि ब्लैक स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। द फंगस ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल ओरी और ग्रेन इनटू द ग्रीनिश स्पोर बॉल एंड वेलवेटी अपीयरेंस। पहले वो ग्रीनिश अपीयरेंस हो जाती है, बाद में क्या हो जाता है कि ब्लैक अपीयरेंस हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम, इंपॉर्टेंट सिम्टम थे फॉल्स मट के बारे में। उसकी डिजीज साइकिल क्या है? वही डिजीज साइकिल है कि मेन सोर्स ऑफ इनोक्यूलम एयरबोर्न स्पोर, वो एयरबोर्न डिजीज है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम क्या है कि एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर क्या है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम है। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम क्या है कि क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर इज अ SSI यानी कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम है, इट इज अ एयरबोर्न डिजीज। तो ये कुछ बात थी कि फॉल्स मट के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फूट रोट यानी कि बकानी डिजीज ऑफ राइस। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है राइस का। इसको क्या कहा जाता है कि फूट रोट और बकानी डिजीज कहा जाता है। उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्यूजेरियम मोनिलिफोरम उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। और उसका सेक्सुअल स्टेज यानी कि परफेक्ट स्टेज क्या है कि जिब्रेला फ्यूजिकोरे इसका परफेक्ट स्टेज है। अब ये फ्यूजेरियम है, वो फ्यूजेरियम क्या कॉज करता है? विल्ट कॉज करता है। हमारे क्रॉप प्लांट है, कोई भी क्रॉप प्लांट हो उसमें क्या कॉज करता है कि विल्ट क्रॉस करता है। अब दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज फुलिश सीडलिंग ऑफ डिजीज। फुलिश का मीनिंग क्या आता है कि मूर्ख। इस डिजीज को क्या कहा जाता है कि फुलिश सीडलिंग ऑफ डिजीज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि फुलिश सीडलिंग में क्या होता है, जो हमारे जो नॉर्मल प्लांट होते हैं राइस के, वो क्या होते हैं कि ड्वार्फ होते हैं। लेकिन जो ये फूट रोट यानी बकानी डिजीज से इन्फेक्ट हुआ प्लांट, वो क्या होता है कि टॉल होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि फुलिश सीडलिंग कहा जाता है। इन द मेन फील्ड द इन्फेक्टेड प्लांट हैव अ टॉलर टिलर विद द लॉन्गर इंटरनोड। जो इंटरनोड होती है, दो इंटरनोड होती है, उसके जो एरिया होता है वो क्या होता है कि लॉन्गर इंटरनोड, ज्यादा से ज्यादा एरिया होता है। एंड द एरियल एडवांटेजियस रूट आर फॉर्म अबव द ग्राउंड। और यहाँ से नोड में से आपको क्या देखने को मिलेगा कि एडवांटेजियस रूट देखने को मिलेगा। एंड द प्लांट आर किल्ड बिफोर द हेड फॉर्मेशन एंड द प्रोड्यूस ओनली द स्टराइल स्पाइकलेट। और ये जो फूट रोट और बकानी डिजीज से इन्फेक्ट हुआ प्लांट क्या होगा कि स्टराइल होगा। एंड वेन क्लम्प आर स्प्लिट, कि आप प्लांट को स्प्लिट करिए अंदर से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि व्हाइट माइसेलियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे फूट रोट यानी कि बकानी डिजीज के। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बकानी डिजीज से इन्फेक्ट हुआ प्लांट है। कैसे? यहाँ पे देखो, ये दोस्तों टॉल प्लांट है और ये हमारा नॉर्मल ड्वार्फ प्लांट है। ये भी इन्फेक्टेड प्लांट है और यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल प्लांट है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात कहना भूल गया है कि यहाँ पे टॉलर क्यों, टॉलर यानी कि वो अपनी हाइट क्यों बढ़ाता है? क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन होता है जिब्रेलिन का, जिब्रेलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है।
इसीलिए उसका सेक्सुअल स्टेज क्या है कि जिब्रेला फ्यूजिकोरे, यहाँ पे जिब्रेलिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। तो जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है कि प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। इसीलिए इस डिजीज का सिम्टम्स क्या है कि टॉलर टिलर टॉलर हाइट वाले प्लांट आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक सिम्टम्स है फूट रोट का। तो पैथोजन क्या है कि फ्यूजेरियम मोनिलिस्पोरम का, तो फंगस प्रोड्यूसर बोथ मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया। तो फंगस क्या प्रोड्यूस करता है फ्यूजेरियम मोनिलिस्पोरम का, मैक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस करता है और माइक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस करता है। अब जो ये माइक्रोकोनिडिया है, इट इज अ सिंगल सेल्ड एंड ओवल सेल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइक्रोकोनिडिया माइक्रोकोनिडिया ये है माइक्रोकोनिडिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिंगल सेल है और ओवल शेप है कि ग्लोब्यूलर शेप है। बाद में जो ये मैक्रोकोनिडिया है वो क्या है कि सिकल शेप है एंड 2 to 5 सेल है। मैक्रोकोनिडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है वो मैक्रोकोनिडिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे सेल है, यहाँ पे सेप्टेड सेल है ये सभी, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये सिकल शेप है और 2 to 5 सेल है। दिस फंगस प्रोड्यूस फाइटोटॉक्सिन फ्यूजेरिक एसिड। ये क्या प्रोड्यूस करता है कि फ्यूजरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजन के पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि पार्ट वन राइस डिजीज के पार्ट वन, और उसमें देखा कि फंगल डिजीज के बारे में कौन कौन से डिजीज देखे, राइस ब्लास्ट देखा, दूसरा देखा कि ब्राउन लीफ स्पॉट देखा, तीसरा देखा सीथ ब्लाइट, चौथा देखा हमने हेलमिंथस, चौथा देखा हमने फॉल्स मट, और लास्ट में देखा कि फूट रोट यानी कि बकान डिजीज। इसके कोजल ऑर्गेनिज्म राइस ब्लास्ट का कोजल ऑर्गेनिज्म पाइरिक्युलेरिया ओराइजी यानी कि पाइरिक्युलेरिया ग्रीसिया, और उसका सेक्सुअल स्टेज मेग्नापोर्थिया ग्रीसिया। बाद में देखा कि ब्राउन लीफ स्पॉट उसका कोजल ऑर्गेनिज्म हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, सिनोनिम्स रेक्सलेरिया ओराइजी और बाइपोलारिस ओराइजी, और उसका सेक्सुअल स्टेज क्या है कि कोचिलोबोलस मियाबिनस। तीसरा देखा हमने सीथ ब्लाइट, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनियस ओलाइनी और उसका सेक्सुअल स्टेज है थेनेटोपोरस क्यूक्यूमेनेंसिस। चौथा देखा हमने कि फॉल्स मट यानी कि उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है उस्टिला जोनिडिया वेरिएंस और उसका सिनोनिम से क्लेविसेप्स ओराइजी, और लास्ट में हमने देखा कि फूट रोट यानी कि बकानी डिजीज, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम मोनिलिस्पोरम एंड उसका सेक्सुअल स्टेज यानी कि उसका परफेक्ट स्टेज है सिप्रेला फ्यूजिकोरे। तो दोस्तों ये कुछ हमने फंगल डिजीज देखे राइस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज और कुछ वायरल डिजीज ऑफ राइस के बारे में। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।